करिश्मा, राहुल तुम पढ़ रहे हो? हाँ मम्मा। तो मुझे अंदर से ऐसा क्यों लगा कि बाहर टीवी चल रहा था? वो मम्मा मैं जोर जोर से बोल के लर्न कर रहा था ना, इसलिए आपको लगा होगा कि बाहर टीवी चल रहा है। मैं तो बहुत देर से पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड। पता है जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह पढ़ती थी। हाँ, जोर जोर से लर्न करने से जल्दी याद होता है ना। हाँ। ऐसे ही पढ़ते रहो। राहुल, हाय राहुल, मैं तुम्हें बहुत ही एक अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। मुझे भी डिस्टर्ब मत करो, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहा हूँ। राहुल तुम्हारे ये चैप्टर हमारे चैप्टर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्या? मैं तो तुम्हें बस इतना बताने आई हूँ कि हमारे स्कूल में नेक्स्ट वीक जो बैडमिंटन कंपटीशन होने वाली है ना, उसमें डबल प्लेयर के मैच में मैंने मेरा और तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। मुझसे पूछे भी ना। क्यों स्वीटी? क्योंकि मैं पूरे दुनिया को दिखा देना चाहती हूँ कि हमारी जोड़ी सबसे बेस्ट है। नो थैंक्स। मुझे सारी दुनिया के सामने अपना कचरा नहीं करवाना है। तुम मेरा नाम कटवा देना और तुम मेरे नाक कटवा देना। तो टीचर और मेरे सारे फ्रेंड्स के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? राहुल प्लीज मेरे साथ बैडमिंटन खेलो ना प्लीज। नहीं, अब तुम जाओ। जब तक तुम आने कहोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी और यही बैठी रहूंगी। मैं तो मजाक कर रहा था स्वीटी। अगर तुम आज हमारा नाम नहीं लिखवाती ना तो मैं कल जाके खुद ही हमारा नाम लिखवाने वाला था। सच? हाँ। तुम झूठ नहीं बोलने वाला राहुल? नहीं स्वीटी। अब तुम जाओ। ओके राहुल, बाय बाय। मेरी पल्स चल रही है स्वीटी। मैं तुम्हारी पल्स नहीं चेक कर रही हूँ राहुल। मैं वो फ्रेंडशिप बैंड कहाँ जो मैंने तुम्हें कल दी थी? ओह अच्छा, वो वाला फ्रेंडशिप बैंड। हाँ, वो तो मैंने निकाल के कबर्ड के लॉकर में रख दिया है। तुम जानती हो ना वो मेरे लिए कितना प्रेशियस है। सच? तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना राहुल? नहीं स्वीटी, अब तुम जाओ। बाय राहुल। बाय स्वीटी। बाय राहुल। बाय स्वीटी। बाय। राहुल हाँ? ये वास किसने तोड़ा? वो करिश्मा से तोड़ गया। करिश्मा से? करिश्मा से कैसे? क्या विक्रम, कब से तुम्हारा चाय पे इंतजार कर रही हूँ मैं। क्या करते रहते हो इतनी देर ऑफिस में? चमचागिरी। क्या? जी हाँ, ऑफिस में बैठकर बॉस की चमचागिरी कर रहा था। कितनी कोशिश की कि किसी तरह बॉस को संडे को घर पर डिनर के लिए आने के लिए राजी कर लूं, लेकिन परेश के होते हुए ऐसा हो सकता है भला? चमचागिरी में सबसे आगे है वो। लेकिन बॉस को डिनर पे बुलाने के लिए चमचागिरी की क्या जरूरत थी? जरूरत है शीतल, आजकल ईमानदारी से काम नहीं चलता है। शीतल ठंडी चाय। करिश्मा चाय गरम करो। चाय गरम करो। कोई काम नहीं। विक्रम इतने इरिटेटेड मत हो ना प्लीज। चलो ये पेस्ट्री खाओ। लो पेस्ट्री। हाँ? तुम ही खाओ। वाव पेस्ट्री। राहुल एक मिनट, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम आज ट्यूशन के लिए क्यों नहीं गए? वो दादी मेरे ट्यूशन टीचर की तबीयत खराब थी इसलिए, तो मैंने सोचा मैं क्रिकेट प्रैक्टिस कर लूं। अच्छा ठीक है, तो सुनो एक काम करो, वो मांझे के अंकल को फोन कर लेना, उनका फोन आया तो उन्हें तुमसे कुछ काम है। ठीक है डैडी मैं बाद में फोन करूंगा, मैं भी मोंटी के घर पे जा रहा हूँ। बाय बाय। राहुल, राहुल क्या हो गया इस लड़के को, एक बात नहीं सुनता मेरी। करिश्मा अपने डैडी का गुस्सा ठंडा करो। गुस्सा ठंडा करना मेरी प्रोग्रामिंग में नहीं है। ये कहाँ से सीखा इसने? पता नहीं कहाँ से सीखा विक्रम, सुबह से यही करती जा रही है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़? हाँ। ठीक है मैम, मैं चेक कर लूंगा। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। शीतल 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 मेरी बात सुनो, अभी अभी मेरी बॉस के साथ बात हुई, वो संडे को हमारे घर पर डिनर के लिए आने के लिए तैयार हो गए। वाओ दैट्स ग्रेट, लेकिन कल तक तो तुम मान ही नहीं रहे थे, तो आज कैसे रेडी हो गए? क्या किया तुमने? मैंने चमचागिरी। नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते हैं। अरे विक्रम, इसके सर्किट में सच्ची कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसको चेक करो। शीतल मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, करिश्मा के सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमारे राहुल के सर्किट में है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो श, श, श की आदत है ना, वो भी इसने राहुल से ही सीखी है। और तो और हमारे साहबजादे झूठ भी बोलने लगे हैं, बात बात पे झूठ बोलता है। नहीं नहीं मैं नहीं मानती, क्या झूठ बोला है मेरे राहुल ने? ठीक है एक मिनट, करिश्मा अपनी मम्मी को बताओ राहुल के झूठ की लिस्ट। राहुल के झूठ की लिस्ट, राहुल पढ़ नहीं रहा था, टीवी देख रहा था, राहुल ने वास तोड़ा था, ट्यूशन टीचर बीमार नहीं थे। बस बस बस, मुझे तो लगता है यही झूठ बोल रही है। नहीं शीतल, रोबोट्स कभी झूठ नहीं बोला करते, सच्चाई का सामना करो। हमारा राहुल सचमुच में बहुत झूठ बोलने लगा है। हाय राम, तो फिर क्या करें? उसे डांटे या पीटे? नहीं नहीं शीतल, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने करिश्मा को एक लाइट डिटेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन। यानी कि अब से जब भी कोई झूठ बोलेगा ये उसे पकड़ लेगी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल पकड़ लेगी। वेरी गुड, देखा, इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि मेरा विक्रम बहुत बड़ा जीनियस है। झूठ 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 बोला पाप है। लीजिए भाई, आपके लिए ताजा ताजा भाजी लेकर आया। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करो, ये आधा किलो टमाटर और आधा किलो मटर तोड़ के रखो, मैं अंदर से पैसे ला। ठीक है बहन जी। करिश्मा तुम भाजी वाले से भाजी लेकर अंदर आओ। अरे लाल लाल बिटिया, लो लाल लाल टमाटर खाओ। टमाटर खाना मेरी प्रोग्रामिंग में नहीं है। आपकी बात, बड़े लोगन की बड़ी बात, हर चीज खाने का टाइम फिक्स होता है और प्रोग्राम फिक्स होता है ना। कोई अरे भाजी वाला, आज तुम मेरा घर नहीं आया? अरे वाह बहन जी, जब हम तुम्हारा घर में जाता हूँ तो तुम इधर आ जाती हो, इसलिए हम इधर ही चला आया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 1 किलो मटर अने आधा किलो टमेटा तोल के दो। ठीक है बहन जी ठीक है। करिश्मा बेटा केम छो? मजामा मजामा। लो बहन जी आधा किलो टमाटर। आशु आधा किलो में इतना ही टमाटर? जरूर तमेरा तराजू में कोई गड़बड़े हो। अरे का कह रहे भाई जी, कसम तराजू की, हमारा तराजू में कोई गड़बड़ नहीं है। ये देखो, झूठ 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 बोला पाप है, तराजू में गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? बताओ बताओ बताओ। कसम तराजू की। जादू नहीं अजूबा सही, करिश्मा का करिश्मा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।